गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटर इज़ नॉट कन्वेक्स? इसमें बताया गया है आपको कि आपने क्वाड्रिलेटर का बताना है कि क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है अगर वो क्वाड्रिलेटर आपका कन्वेक्स है, और यदि आपका क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स नहीं है तो भी क्या उसका एंगल का जो सम है वो सेम आता है? मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई इट, कि आपने एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना है और उसको प्रूफ करना है, उसको ट्राई करना है। ठीक है, सबसे हम बनाएंगे सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो ये आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, और इसके एंगल हैं, ये एंगल ए पे 1, बी के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं 2 एंड 3, ये 4, डी के ऊपर 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आप जब आप इसको डायगनल ले लेते हो, बी और डी को डायगनल ले लेते हैं, तो आपके पास 2 फिगर बन जाती हैं, ए बी डी और बी सी डी। ठीक है, ये आपके पास 2 ट्रायंगल बन जाते हैं कि इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है इसमें आपको 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। अब आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, मीन इसका जो सम है वो कितना है 180 डिग्री है, और इसका जो सम है वो भी कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, ये किसके कैसे हो रहा है? वाई सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब सम ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360 डिग्री। अब क्या बोला है कि अगर आपका क्वाड्रिलेटर जो है वो कन्वेक्स नहीं है क्या तो भी इनका सम यही आएगा? तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायगनल आप बनाओगे एक क्वाड्रिलेटर, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाओगे। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है? जिसमें सारे एंगल 180 से कम होते हैं। और नॉन कन्वेक्स कौन सा होगा? जिसमें एक कम से कम एक एंगल जो है आपका वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे अगर आप ये बना रहे हो ए बी सी डी, तो इसका जो एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा है। ठीक है, ये एंगल जो ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी सी, और ट्रायंगल आपका बन रहा है एक और बी सी डी, ये आपका ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल बन गए, तो इसमें एंगल आ रहे हैं आपके 1, 2, 6, और इसमें एंगल बन रहे हैं आपके बी डी सी में 3, 4, 5। जब इन तीनों एंगल्स को प्लस करोगे इनका सम भी कितना आएगा? इसका सम आएगा 180 डिग्री, और इसका भी कितना आएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो गया 360 डिग्री। इसका मतलब कि अगर क्वाड्रिलेटर आपका कन्वेक्स है तब भी 360 डिग्री सम होगा, और नॉन कन्वेक्स है तब भी इसका सम कितना आएगा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कॉपी में नोट कर लेना है। थैंक यू।